एचजे न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज एस श्रीसंत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से भीख नहीं मांग रहे हैं, बल्कि अपनी जिंदगी वापस चाहते हैं। दो वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य रहे श्रीसंत ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में जिंदगी का सबसे मुश्किल समय बिताया और अभी भी वो इंसाफ के लिए संघर्ष कर रहे हैं। श्रीसंत अभी बीसीसीआई के खिलाफ अपने ऊपर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि श्रीसंत पर बीसीसीआई द्वारा लगाए गए बैन को पिछले महीने केरल हाईकोर्ट ने हटा दिया है, मगर बोर्ड ने आगे जाकर अपील करने का फैसला किया है। श्रीसंत का सपना है कि वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी दौरे के लिए टीम इंडिया का हिस्सा बने, लेकिन क्रिकेट में उनकी वापसी अभी नजर नहीं आ रही है। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली बीसीसीआई की अनुशासनात्मक समिति ने 13 सितंबर 2013 को श्रीसंत पर आजीवन प्रतिबंध लगाया था। एक इंटरव्यू में श्रीसंत ने अपने पसंदीदा खेल से बैन करने और योजनाबद्ध तरीके से गिरफ्तारी के बारे में भावनाएं जाहिर की। उन्होंने साथ ही केरल हाईकोर्ट के फैसले पर खुशी व्यक्त की और स्वीकार किया कि बैन हटने से वो काफी संतुष्ट महसूस कर रहे हैं।